बेमौसम हुई बारिश ने जहां एक तरफ तेज धूप और गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश से बेहाल बिहार के लिए अगले 48 घंटे भी बेहद विकट हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हुई है। वहीं बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। विशेषकर अगले 48 घंटे के दौरान राज्य में बारिश और वज्रपात की संभावनाएं बनी हुई है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 22 मार्च तक अलग अलग जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान 22 मार्च से दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं 23 के बाद मौसम में सुधार होगा। वहीं सोमवार को पटना सहित राज्य के सभी जिलों में बारिश हुई। मंगलवार को बिहार के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई। इस दौरान बारिश, बिजली गिरने और ओला गिरने के आसार बने हुए हैं। मंगलवार को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम बदलने के कारण राज्य के तापमान में अचानक से बदलाव देखने को मिला है। बिहार के अधिकांश तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने से ठंड बढ़ गई है। अचानक से लोगों को फिर से मामूली ठंड महसूस होने लगा है। बारिश की वजह से बिहार के किसानों को बड़ा झटका लगा है। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश की बूंदे विष की भांति गिरी है। बेमौसम की बारिश से रबी, दलहन, तिलहन, गेहूं समेत आम और लीची की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से फसलों पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही खेतों में पानी जमा होने से अब पक्की फसलों को भारी नुकसान का डर सता रहा है। तो बता दें आपको कि बेमौसम हुई बारिश ने जहां एक तरफ तापमान में कमी लाई है, लोगों को तेज गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश जो है वो फसलों को लेकर काफी ज्यादा जो है वो कष्टदायक साबित किया है। क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, ऐसे में खेतों में फसलें जो है वो पक चुकी थी, वो कटाई के कगार पर थी। ऐसे में फसलों को जो है वो काफी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में इस बारिश से कहीं ना कहीं किसान जो है वो काफी दुखी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके फसल जो है वो तैयार थे, अब कटाई के कगार पर थे, लेकिन इस दौरान हुई बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ऐसे में किसानों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।